News 18, India. और एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। सिंधु बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर पाबंदी है। दिल्ली के ही औचंदी बॉर्डर पर भी धारा 144 लागू की गई है। दोनों बॉर्डर दिल्ली से हरियाणा और पंजाब को जोड़ते हैं। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ आज किसानों की अहम बैठक है। पहली बैठक में किसान नेताओं के सामने सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव रखा गया था। सरकार की तरफ से कहा गया कि एक बैठक और होगी और अब हर किसी को इस बात का डर सता रहा है कि क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन पार्ट टू देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तमाम बॉर्डर्स पर अभी जो जानकारी दी जा रही है कि धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन आज हर किसी की नजर उस मीटिंग पर है जो नेताओं के साथ होगी। क्या सरकार के साथ मीटिंग के बाद कोई समाधान निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 13 तारीख को यानी कि कल दिल्ली चलो आंदोलन के साथ जो है किसान शुरुआत कर रहे हैं। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और किसानों का दिल्ली कुछ। ये दोनों बॉर्डर आपको याद होंगे, किसान आंदोलन जो सबसे बड़ा आंदोलन था जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, एक डेढ़ साल तक करीबन वो आंदोलन चला था और इन्हीं दो बॉर्डर की वजह से जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ा था। देखिए, किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने 15 जिलों में धारा 144 लागू की है। तो किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने 15 जिलों में धारा 144 लगाई है। चंडीगढ़ में भी धारा 144 लगाई गई है, जबकि दिल्ली के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है और सिंघु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी गई है। ये तीन तस्वीरें आप देखिए, पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच किसानों की मंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है, लेकिन दिल्ली कूच जिसका आह्वान किसानों ने किया है, इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है और धारा 144 भी लगाई गई है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख यानी कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की कड़ी आलोचना की है। मुंबई में ठाकरे ने पार्टी कार्यक्रम में बोलते हुए दावा किया कि उनका हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से अलग है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनके हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। वहीं बीजेपी के हिंदुत्व का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाता है। मी त्यांना स्पष्ट विचारतो, अरे तुम्हाला कळत नाही, लक्षात नाही का आलं? मी शिवसेनेचा पक्ष प्रमुख आहे, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचा मी पुत्र आहे, कडवट हिंदुत्ववादी आहे, तरी देखील तुम्ही माझ्यासोबत का येत आहे? आणि त्यांचं उत्तर एकच आहे की उद्धवजी, तुमचं हिंदुत्व आणि भाजपचं हिंदुत्व याच्यामध्ये फरक आहे तो आमच्या लक्षात आलेला आहे। तुमचं हिंदुत्व जे आहे ते घरातली चूल पेटवणारं हिंदुत्व आहे आणि भाजपचं हिंदुत्व हे घर पेटवणारं हिंदुत्व आहे। तुमच्यावरती आहे, तुम्हाला घरातली चूल पेटवून पाहिजे हे आमचं हिंदुत्व आहे। हृदयात राम आणि हाताला काम देणारं आमचं हिंदुत्व आहे। आम्ही हिंदू आहोत, पण हे असे हिंदू आहोत, देशप्रेमी हिंदू आहोत,